आप इस मीरा के इस घर को देखिए, वृंदावन वाला घर, ये मीरा का वृंदावन वाला घर है जहाँ पर उनके गिरधर गोपाल रहते थे। ऐसी जानकारी जब उनको मिली है, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व चित्तौड़ की राजरानी भक्त मीरा जब वृंदावन में आई थी तो इसी स्थान पर 15 वर्ष तक उन्होंने गिरधर गोपाल की उपासना की थी। मीरा जी ये सुन के थोड़ी चौंक गई। उन्होंने कहा कि मैं तो समझती थी ब्रज में सिर्फ एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण, बाकी सब तो गोपी भाव में है। आज मुझे पता चला एक और भी पुरुष आ गए हैं ब्रज में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है श्री धाम वृंदावन के केसी घाट पर, और आप देख रहे हैं मेरे सामने इस समय यमुना महारानी बह रही है और भक्त लोग सामने देख सकते हैं किस तरह से दर्शन कर रहे हैं। और आज हम जो आपको दर्शन कराने के लिए लाए हैं वो एक ऐसी भक्त के बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं जिसके बारे में आप सब जानते हैं। आज हम आपको वृंदावन में मीरा का वो घर दिखाने वाले हैं जहाँ पर वो राजस्थान से बांके बिहारी जी का भजन करने के लिए या फिर कहीं भगवान कृष्ण की भक्ति को पाने के लिए मीरा जब वृंदावन आई है तो कैसे यहाँ पर मीराबाई का मंदिर यहाँ पर आज भी विद्यमान है, 500 साल पुराना मंदिर है, उसका दर्शन करें। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ब्रजभूमि के इसी दिव्य ब्रजभूमि के दर्शन अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, क्योंकि आज का हमारा जो वीडियो है ना वो मीराबाई के ऊपर वीडियो, कि कैसे वृंदावन में मीराबाई का आज एक ऐसा घर दिखाने जा रहे हैं हम आपको जहाँ पर मीराबाई आज भी अपने गिरधर गोपाल यानी बांके बिहारी जी का यहाँ पर भजन कर रही है। तो वीडियो को लाइक कर लें अभी, और लाइक करने के साथ इसको शेयर जरूर करना अगर आपको ये वीडियो सुंदर लगे तो। बिना देरी किए हुए आइए चलते हैं मीरा जी के घर पर जहाँ पर वो गिरधर गोपाल का भजन कर रही हैं। मीराबाई जो कि निधिवन के पास में है, आप निधिवन सभी जानते हैं वृंदावन बिल्कुल उससे लगा हुआ सकरी कुंज गलियों से मिला हुआ वहाँ पर मीराबाई का मंदिर है। आइए चलते बिना देरी किए हुए, आज हम आपको लेके चल रहे हैं मीराबाई के घर पर। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आप देख सकते हैं कि इस समय मैं वृंदावन की कुंज गली में खड़ा हुआ हूँ और एक साइड में आप निधिवन का दर्शन कर सकते हैं और एक साइड में हम फाइनली उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ पर मीरा ने बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण का भजन किया वृंदावन में आके। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है और ये वृंदावन की सकरी गलियों में से होते हुए अब हम आपको जो लेके चल रहे हैं वो मीराबाई जी का जो मंदिर है वृंदावन में उसका हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। और कैसे मीरा ने वृंदावन में ठाकुर जी का भजन किया है, क्या लीला क्या दर्शन है, सबका आनंद आज हम आपको देने वाले हैं। मीराबाई मंदिर के जस्ट सामने हम खड़े हुए हैं और बाबा है जो कि जो मीराबाई के पास जो तानपुरा था जिसके माध्यम से वो भगवान कृष्ण के उन गीतों को भगवान कृष्ण की उन यादों को समेटे हुए थे उसी तानपुरा को लेके बाबा यहाँ पर भजन कर रहे हैं। बाबा से बातचीत करेंगे। बाबा राधे राधे। राधे। आप बाबा नित्य यहाँ पर बजाते हैं? नित्य डेली बजाता है, डेढ़ साल हो जाएगा। एक साल? डेढ़ साल। डेढ़ साल से आप ये यहाँ बजाने का भाव बाबा आपके अंदर क्या है, क्या भाव है? भाव हाय मीराबाई, हम मीराबाई का अच्छा है, वो आदमी आता है देखता है जानता है बाबा भजन करता है। और अच्छा, मीराबाई का जो भाव था जो उसको लेके जो वो भजन करती थी हाँ, उसी भाव से आप यहाँ बैठे हाँ। डेढ़ साल से बाबा कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, हमको सब कुछ मिलता है यहाँ पर, मीराबाई सब कुछ देता है। तो ये आप अपने बांके बिहारी जी ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं या मीराबाई के लिए इसको? मीराबाई के लिए कर रहा है। मीराबाई के लिए बजाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तानपुरा बाबा बजा के दिखाइए आप। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और ये जो भजन है ये मीराबाई के मंदिर प्रांगण के जस्ट सामने है और आप देख सकते हैं कि इस समय हम मीराबाई के मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं। कैसे इस तानपुरा की धुन से उन्होंने बांके बिहारी जी को रिझाया है, अपने भगवान कृष्ण की भक्ति को रिझाया है। आइए चलते हैं
और एकमात्र मंदिर ये पूरा वृंदावन के अंदर जहाँ पर मीराबाई आई हैं और आके भगवान कृष्ण को उनकी विरह में उनकी याद में कैसे राजस्थान से सब कुछ छोड़ के इस वृंदावन धाम में उन्होंने जो सुख लिया है उसका दर्शन हम आपको कराएं। ये देख सकते हैं कितना प्राचीन ये गेट बना हुआ है, ये देखिए लकड़ियों का। तो प्राचीन वृंदावन के जो मंदिर हैं उन छवियों में से एक प्राचीन मंदिरों में ये भी आता है, जिसे हम और आप जो जानते हैं मीराबाई मंदिर के नाम से, यानी कि पूरे मंदिर में मीरा का जो भाव है उसको पूरी तरह से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और उन्हीं का जीवंत यहाँ पर ये भाव हम सब रखते हैं। और ये प्राचीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वृंदावन के जो प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है ये मीराबाई का। और कहते हैं यहाँ पर मीराबाई आज भी अपने बांके बिहार जी अपने ठाकुर जी का भजन कर रही हैं। आज भी इस भाव से सभी भक्त यहाँ पर हजारों लाखों भक्त आते हैं और मीराबाई के इस मंदिर का दर्शन करते हैं, जिसका दर्शन कराने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं। मंदिर प्रांगण के जस्ट सामने आप तुलसी महारानी का दर्शन कर सकते हैं और ये पूरा आप दर्शन करेंगे, ये देखिए आप। तो जिस तरह का यहाँ भाव है मीरा का भगवान कृष्ण के प्रति इस वृंदावन में, उस भाव को यहाँ पर समेटे हुए हम आपको एक एक चीज़ का दर्शन आपको कराना चाहते हैं। ये मंदिर का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये प्राचीन मंदिर जो कि हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक है मीराबाई का मंदिर, जहाँ पर मीराबाई अपने बांके बिहारी जी अपने ठाकुर जी के लिए किस तरह से यहाँ पर आई हैं। और यहाँ के जो पुजारी जी भैया हैं उन्हीं से पूरा आनंद इस मंदिर प्रांगण का और इस मीराबाई के भाव का लेंगे। तो इस मंदिर के आनंद के लिए, मीराबाई के भाव के आनंद से पहले हम आपको ये प्यारे जो मनमोहक दर्शन हैं मीराबाई जी के जो लाड़ले हैं, जिनके लिए अपना जीवन दिया वो बांके बिहारी जी हमारे ठाकुर जी हमारे कृष्णा, यहाँ पर सामने आप दर्शन कर रहे हैं। और एक एक सूचना मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक बाबा रहते थे हमारे बड़े प्रिय बाबा हैं, ये देखिए नीचे चित्रपट लगा हुआ है, थोड़ा जूम करके दिखाइए। और इन्होंने हमसे वादा किया था कि लाला जब तुम अगली बार आओगे तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बनाऊंगा पूरा भाव दूंगा मैं, लेकिन आज बांके बिहारी जी कृपा से ये बांके बिहारी जी के चरणों में चले गए हैं। और ये सूचना जब हमको मिली तो बड़ा धक्का सा लगा, भैया उनके पुत्र हैं ये, अब जो उनकी विरासत को संभालेंगे मीराबाई के भावों को, अब इन्हीं से हम जानेंगे यहाँ की आगे की लीला किस तरह की है। तो जो मीरा भगवान बांके बिहारी जी की याद में कैसे राजस्थान से वृंदावन आई है, उनकी समस्त लीला के बारे में हमारे यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्हीं से जानेंगे कि इस स्थान की महिमा क्या है। प्रभु जी सबसे पहले आपको राधे राधे। तो प्रभु जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह। मैं आपको मंदिर का परिचय देता हूँ। बोलो भक्त शिरोमणि मीराबाई की जय। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व चित्तौड़ की राजरानी भक्त मीरा जब वृंदावन में आई थी तो इसी स्थान पर 15 वर्ष तक उन्होंने गिरधर गोपाल की उपासना की थी। ऊपर के सिंहासन में आप दर्शन करेंगे, बीच में है गिरधर गोपाल, हाथ में मजीरे लिए मीरा जी हैं और दूसरे हाथ पे राधा जी हैं। राधा के श्याम हो तो मीरा के भी श्याम के दर्शन हैं। नीचे के सिंहासन पे हैं उत्सव विग्रह श्री राधा मनोहर जी महाराज के, और उन्हीं के समीप में मीरा जी के शालिग्राम हैं जो उनके देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए फूलों के पिटारी में सर्प भेजे थे, ये कह के कि इसमें शालिग्राम है। तो मीरा जी ने जब इस भाव से पिटारी खोली तो सर्प के शालिग्राम बन गए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मीरा जी जब चित्तौड़ से यहाँ आई थी तो अपने संग अपने शालिग्राम लेके आई थी, उन्हें यहाँ विराजमान करके 15 वर्ष बाद यहाँ से वो भेंट द्वारका चली गई थी। तो जैसे कि आपने बताया कि बांके बिहारी जी या ठाकुर जी की याद में मीरा जी यहाँ पर आई हैं, तो मंदिर उसी समय का है जी? आप ये जो मंदिर देख सकते हैं, मीरा जी के समय यहाँ उनकी भजन कुटी हुआ करती थी, मैं आपको उनके भी दर्शन कराऊंगा, और यहाँ पे मंदिर हुआ करता था। बीच में आप जो गिरधर गोपाल देख सकते हैं उस समय वो विराजमान थे, उस समय मीरा जी के समय ये मंदिर जी, इस मंदिर में, क्योंकि मीरा जी के विग्रह तो उस समय नहीं थे, वो तो बाद में मैं आपको वो भी बताऊंगा, पर उस समय बीच में जो गिरधर गोपाल है वो विराजमान थे मीरा जी के समय से। फिर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था 1842 में, 1842 में बीकानेर के राज दीवान ठाकुर राम नारायण सिंह हमारे वो पूर्वज थे, उन्हीं के बाद से हमारा परिवार सेवा करता आ रहा है। जैसा भी मेरे पिताजी आपने दर्शन कराए थे, मेरे पिताजी पूरी ज़िंदगी यहाँ सेवा करते रहे, अब उनके बाद मैं सेवा में आया हूँ। नहीं, ये बड़ा अद्भुत है कि आप वृंदावन में इतने दिव्य, मीरा जी तो आप जानते हैं वो कृष्ण की जो
भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसके नाम में मीरा का नाम होना अपने आप में दिव्य है। हम सब ने यहाँ के जो दर्शन किया है इसके बाद उनकी जो भजन कुटी है जहाँ पर वो भजन करती हैं, ये तो मंदिर है जहाँ पर उनके गिरधर गोपाल हैं, इसके अलावा जहाँ भजन कुटी है जहाँ भजन किया उन्होंने बैठ के, उस स्थान का दर्शन प्रभु जी आप करें। तो मीराबाई की भजन कुटी का हम दर्शन करें उससे पहले एक परिक्रमा हम उनकी करना चाहते हैं, आइए आप मेरे साथ में। और ये जो परिक्रमा है ये उस भक्त की परिक्रमा है जिन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को अपनी जिद से पाया है, अपने त्याग और समर्पण से पाया है। ये हमारे और आपके लिए बहुत अद्भुत ये स्थान है कैसे मीरा ने भगवान कृष्ण को पाया। और आज जब हम इस स्थान पर वृंदावन में आए हैं यकीन हृदय को जो आनंद मिला वो अपने आप में दिव्य है। और एक दर्शन जो कि भजन कुटी उसका भी दर्शन हम आपको कराएंगे, आइए जहाँ पर उन्होंने भजन किया है। जय हो। तो परिक्रमा के लास्ट छोर पे आप देख सकते हैं कि हमारे प्रभु जी हमारे साथ में हैं और जो आनंद आज ये देने वाले हैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से, ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से, ये जो आप दृश्य अब जो देख रहे हैं ये अपने आप में अद्भुत हैं। इनके भाव, इन चित्रपटों के भाव को आप समझिए कि किस तरह से इस स्थान पे आज भी ऐसा लगता है मानो मीराबाई आज भी यहाँ भजन कर रही हो। प्रभु जी ये किस तरह का भाव है? यहाँ मीरा जी की भजन कोटी हुआ करती थी। जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था उसके पहले यहाँ 500 वर्ष पूर्व यहाँ उनकी भजन कोटी हुआ करती थी। आप बीच में जो चित्र देख सकते हैं मीरा जी का उस समय का चित्र है। और आप जब चित्र ध्यान से देखेंगे उनके बाजू में उनके शालिग्राम भी विराजमान है सिंहासन पे, जिनका भी आपने दर्शन किया था। आप जूम करके दिखाइए, जो मंदिर में शालिग्राम रखे हुए हैं इस चित्रपट में वो शालिग्राम के यहाँ पर दर्शन है। जब मीरा जी ब्रज में आई थी तब यहाँ बगीचा हुआ करता था, अभी भी इस जगह का नाम गोविंद बाग है। उस वक्त भी गोविंद देव जी का बगीचा था, सामने यमुना जी के दर्शन हो जाते थे। यमुना जी अभी भी सामने है, बस थोड़ी पीछे चली गई हैं, बट उस समय यहाँ आगे तक आ जाती थी, यहाँ से दर्शन हो जाया करते थे। मीरा जी जब ब्रज में आई थी तो पास में राधा दामोदर मंदिर है, वहाँ पे बहुत बड़े संत जीव गोस्वामी जी रहा करते थे, तो उन्हें बहुत ज्ञान था। तो मीरा जी उनके दर्शन करने गई, जब दर्शन करने गई हैं तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरु जी किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते हैं, उनको लौटा देना चाहते थे कि वो दर्शन नहीं करेंगे गुरु जी। मीरा जी ये सुन के थोड़ी चौंक गई, उन्होंने कहा कि मैं तो समझती थी ब्रज में सिर्फ एक ही पुरुष है श्री कृष्ण, बाकी सब तो गोपी भाव में है, आज मुझे पता चला एक और भी पुरुष आ गए हैं ब्रज में। ये कह के मीरा जी फिर यहाँ वापस मंदिर में आ गई। जीव गोस्वामी जी बहुत बड़े संत हैं, जब इतना बड़ी बात मीरा जी करके गई तब उन्हें भी ज्ञान हुआ कि मैं क्या भूल कर बैठा, मीरा जी आई थी मिलने, फिर उनसे मिलने आए हैं। तो आप जब ब्रज में आएंगे तो गोपी भाव में अपने आप को महसूस करिए। यहाँ जब महादेव जी भी आए थे तब गोपी रूप धारण करके आए थे, गोपेश्वर महादेव का मंदिर भी है पास में। और इस मंदिर में आप जब आएंगे आप महसूस करेंगे कि अभी भी भाई शांति है, बिल्कुल बगल में निधवन मंदिर है, वहाँ काफ़ी यात्री है जो अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाते हैं बट यहाँ पाके घंटों तक भी बैठ सकते हैं। और जब भक्त बैठते उन्हें महसूस होता उस समय जब मीरा जी के समय जो शांति थी और जो भक्ति थी उसका महसूस करते हैं। अभी आप हमारे यहाँ एक गौ माँ आती हैं, आज थोड़ा उन्हें समय लग गया आने में, भक्त रोक लेते हैं। अच्छा। तो मैं आपको फोटोज़ भी दिखाऊंगा, या ऊपर आके बैठती हैं आरती के समय आती हैं, आज थोड़ा उन्हें समय लग गया आने में, भीड़ होती है जी, बहुत दूर से कहीं से आती हैं, हमारी नहीं है, बहुत दूर से आती हैं, घंटों आकर यहाँ पे बैठती हैं। शायद आप थोड़ी देर रुके तो उनके भी दर्शन हो जाए। मैं एक चीज़ जान सकता हूँ, जब इस मंदिर में प्रवेश करते हैं जब हम किसी से पूछते हैं हम कहाँ जा रहे हैं कि मीरा बाई के उस मंदिर में जा रहे हैं जहाँ बैठ कर उन्होंने गिरधर गोपाल का भजन किया है, तो एंट्री करते ही वो पूरा वातावरण जो जितना भी एनवायरमेंटल है वो समझ में आता है, जिसकी चर्चा भी आप कर रहे थे कि यहाँ मीरा की भक्ति की जो उनके गीतों का जो आप जो ये हरियाली देख सकते हैं, बहुत कम मंदिरों में इतनी हरियाली होती है। मीरा जी के समय से उन्होंने पेड़ लगाने शुरू करे थे, उस समय बगीचा था, उस समय तो बगीचा था, बट इस मंदिर में भी उन्होंने जो उस समय मनी प्लांट लगाती थी, अभी हम वही परंपरा उस समय से वही मनी प्लांट धीरे धीरे करके नए आते हैं, पर उस समय से उन्होंने लगाना शुरू किए थे मनी प्लांट यहाँ पे। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ये पौधे लगे हुए हैं मंदिर प्रांगण के जस्ट सामने, अब आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे जाल बनवाया है। क्या हुआ कि कोई किसी के गुरुजी किसी ने कहा कि आप घर पे मनी प्लांट चोरी करके लगाइए, तो भक्त आते थे यहाँ से तोड़ तोड़ के मनी प्लांट खींचने लगे थे। तो हमें फिर उस भाव के जी हमने जाल लगे, तो जाल नहीं था यहाँ पे, बहुत
बहुत काफ़ी मनी प्लांट थे। अच्छा, कोई नहीं, अब धीरे धीरे वापस बढ़ जाएंगे। तो प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर भाव आपने हमको दिया। ये इसके भी फव्वारे के दर्शन कराता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर? जी जी। तो मैं आपको बताना चाहूँ, एक बार पुनः आप इस मीरा के इस घर को देखिए, वृंदावन वाला घर। ये मीरा का वृंदावन वाला घर है जहाँ पर उनके गिरधर गोपाल रहते थे। ऐसी जानकारी जब उनको मिली है, अरे वाह, ये देखिए, ये तो बड़ी अनोखी चीज़ है प्रभु जी। ये इस फाउंटेन फव्वारा सालों से यहाँ पे चल रहा है, सालों से, क्योंकि इसमें कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। सिंपल टंकी से पानी आता है, लोग देख के सोचते कैसे हो रहा है, क्योंकि ये आपने कहीं देखा नहीं होगा। नहीं, मैं ये इसे नहीं समझ पा रहा हूँ, ये बॉल इसी धार पे कैसे रुक रही है? जी जी, देखिए वैसे तो साइंस का है, क्योंकि वो बॉल हमेशा गिर रही है पर धार उसे बनाए रखती है। इधर उधर नहीं हो रही ना? नहीं नहीं, वो थोड़ा भी बगल में जाएगी, नीचे जाके वापस ऊपर आएगी। महाराज जी के समय पर वो इसका उदाहरण देते थे कि हमारा शरीर भी ऐसा ही होता है, जो इस गेंद की तरह। ये जो आप फव्वारा देख सकते हैं, ये हमारी आत्मा है। शरीर जब बॉल जाएगी, अभी महाराज जी भी थे मंदिर में, ये जाएगी, नीचे जाएगी, फिर वापस ऊपर आ जाएगी। ऐसे इंसान आता जाता रहता है। और आप देखेंगे सिर्फ फव्वारे के लिए नहीं है, सब पेड़ पौधों में पानी भी जा रहा है। जल भी जा रहा है प्रॉपर। जी, इसके जब ये टकराता है पानी से तो पूरा जल भी जा रहा है। क्या अनमोल चीज दिखाई है प्रभु जी आपने। इसी तरह इंसान जब अपने अच्छे कर्म करता है, जैसे आप देख रहे हैं ये सब पेड़ पौधों में पानी मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, उसी तरह आप भी लोगों में। अभी भी जब महाराज जी से लोग मिले थे, इतने सालों से जब सेवा कर रहे हैं, तो भक्त आते बहुत रोते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि महाराज जी के साथ उनकी जो अनुभूति होती थी अब वो नहीं हो पाएगी। हम भी चाहते थे उन्हीं के लिए आज हम आए, पर अब ठीक है, बाकी बिहारी जी की जैसी रचना चलता रहता है। आपके मुख से पूरा होना था, जो संकल्प इनके पिताजी ने हमसे दिया था वचन, वो वचन उनके बेटे ने यहाँ पर किया है, ये हमारे लिए बड़ा अद्भुत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हमारे चैनल पर आपने बहुत दिव्य आनंद दिया। एक बार पुनः हम गिरधर गोपाल मीरा जी के आपको दर्शन कराएंगे। तो आप बीच में देख रहे हैं, ये हमारे ठाकुर जी हैं, और उधर साइड में जो तानपुरा हाथ में लिए और करताल हाथ में लिए जी कीर्तन के जो भाव में बैठी हैं, ये हमारी मीरा जी हैं। कैसे भगवान ने अपने बराबर में स्थान दिया है इस मंदिर में। और ऊपर में जो है वो राधा रानी एक साइड में, तो मीरा और राधा रानी के बीच में हमारे ठाकुर जी हैं। और नीचे इनके जो उत्सव बिहारी जी हैं, जो उत्सवों में नौका बिहार लीला में जो यहाँ यूज होते हैं, मतलब जहाँ पर जी हमारे सावन में बाहर झूले पे बैठते हैं, सावन के महीने में जो बाहर झूले पे जो बैठते हैं, ये हमारे उत्सव बिहारी जी हैं दोनों स्वरूप। और एक जो महत्वपूर्ण जो दर्शन आप कर पा रहे हैं, इस महत्वपूर्ण दर्शन को करिए, ये वही शालिग्राम है जो राणा ने मीरा जी को मारने के लिए सर्प के रूप में इसमें दिया था। आपको इनके बारे में थोड़ा और बताना चाहूँ तो मैं हाँ आप बताइए, आप आगे मीरा जी ने जब शालिग्राम जी के दर्शन किए, तो उनके प्रेम अश्रु शालिग्राम पे जब गिरे हैं, तो दो आंखें, नासिका और चेहरे पे एक मुस्कान आपको दिखेगी, और आप ध्यान से देखेंगे हल्की सी बांसुरी भी आपको दर्शन देगी। और जो भाव इन्होंने बताया है कि दो नेत्र, प्रभु जी कैसे हाँ दो नेत्र हम दर्शन कर पा रहे हैं, नासिका और ओठ के आपको दर्शन होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, शालिग्राम में इस तरह का होना, ये हमारे लिए बड़ा अनुपम है। और राणा ने ये दिए थे, उनको भाव तो यही था कि शालिग्राम है, उन्होंने इसी भाव से पिटारी खोली, तो सर्प के भी शालिग्राम बन गए। क्या बात है। तो बाकी बिहार जी की कृपा से तो मीरा जी को सब कुछ ही मिल गया। उनको विष भी भेजा था कह के इसमें चरणामृत है, पर उन्होंने इसी भाव से पिटारी खोली कि उस विष का भी अमृत बन गया। बहुत सुंदर भाव। और इसका दर्शन करने के बाद उनकी जो भजन कुटी है, और ये आप मीरा जी का वो स्थान देख रहे हैं, मीरा जी का वो घर देख रहे हैं वृंदावन वाला, जहाँ पर मीरा जी भजन करती थी। और ये तानपुरा भी देखो नीचे रखा हुआ है उनका, ये तानपुरा का आप दर्शन कर रहे हैं ना, ये तानपुरा, इसी तानपुरा से अपने ठाकुर जी को उन्होंने रिझाया है, और ठाकुर जी की जो भक्ति की है उन्होंने, भगवान कृष्ण की भक्ति वृंदावन में, ये हमारे और आपके लिए अनमोल है। तो आज का हमारा ये आनंद, हमारा ये भाव, हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा? श्रीधाम वृंदावन में इस समय मीराबाई के मंदिर से जो हमने आपको ये संपूर्ण आनंद जो दिया, ये मीरा का घर कह सकते हैं वृंदावन में इसको, तो मीरा के ही घर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।